हेलो दोस्तों, जय स्वामी नारायण, नमस्कार। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ सेल का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज। और रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो जा करके चेक करें, क्योंकि वहां पे भी काफी कुछ चैप्टर्स के जो टॉपिक्स है डिस्कस किए गए हैं। ये उसका सेकेंड पार्ट है, इसके बाद भी एक और पार्ट आएगा एंड देन द होल चैप्टर विल बी ओवर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द सेल, क्योंकि पूरा सेल के बारे में ही पढ़ना है तो मैंने बहुत ही अच्छा सा एनिमेशन कलेक्ट किया है आप सभी को बताने के लिए। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल, उसके शेप, उसके साइज और नंबर। कैसे कैसे शेप्स होते हैं, उनकी साइज कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी छोटी हो सकती है, और नंबर के आधार पर किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास है। सो यू कैन सी इन द पिक्चर्स यू हैव द डिफरेंट शेप्स ऑफ दिस सेल। ये सारे के सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हैं। और यू कैन सी व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स वी हैव। यहाँ पे आप नर्व सेल देख सकते हो, यहाँ पे आरबीसी दैट इज द रेड ब्लड सेल्स देख सकते हो। ये हमारे स्मूथ मसल सेल है जो कि स्पिंडल शेप में दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द फैट सेल, यू कैन सी दिस इज द स्पर्म एंड दिस इज द ओवम। सो यू कैन सी हियर इट इज द बोन सेल विच इज हैविंग द इरेगुलर स्ट्रक्चर। सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ शेप इन द सेल्स, ठीक है। आप ये तो सिर्फ ह्यूमन बींग के सेल की बात कर रहे हैं, एंड यू कैन सी द अदर सेल्स ऑल्सो कि उसके भी कई तरह के शेप हो सकते हैं। बैक्टीरियल सेल अलग होते हैं, अमीबा के सेल आप देखो तो उनका तो कोई शेप ही नहीं होता है। कुछ फिक्स्ड शेप के सेल होते हैं, कुछ अपना शेप वेरी करते रहते हैं। सो यू कैन हैव द वराइटी ऑफ सेल्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ इन द सेम सेगमेंट सेल शेप्स, इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन दे परफॉर्म। कोई भी सेल का शेप है डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फंक्शन आगे परफॉर्म करने जा रहा है। वो सेल हो सकता है कि शेप वेरी करे, हो सकता है वो अपना शेप फिक्स रख सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच काइंड ऑफ फंक्शन दे आर गोइंग टू हैव इट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अमीबा है और ये हमारा WBC दैट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स। नाउ व्हाइट ब्लड सेल्स और अमीबा की खासियत क्या है, ये अपना शेप कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं टू एक्वायर द फूड। और आरबीसी क्या करता है, इनगल्फ करता है कोई भी बैक्टीरिया हो या फॉरेन पार्टिकल हो उसको, राइट। ओके, सो यू कैन सी द शेप ऑफ द सेल मे वैरी मे चेंज। कुछ फिक्स होते हैं, कुछ चेंज होते रहते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल है जो अपना शेप को चेंज करते रहते हैं, राइट। नाउ शेप कैन बी स्फेरिकल और इट कैन बी स्पिंडल शेप टू। स्फेरिकल में आप जो भी एक्स देखते हो दैट इज जस्ट अ सेल, और उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हो, एस इस टाइप का सेल होता है। स्मूथ मसल सेल जो होता है, या स्मूथ मसल्स फाइबर जो होता है, उसका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप। आप देख सकते हो ये एक तरह से स्पिंडल शेप जैसा है, जो कॉर्नर पे क्या हो रहा है, टैपरिंग हो रहा है। टैपरिंग का मतलब क्या होता है, एकदम नैरो हो जाता है। तो आपने देखा ये शेप के भी सेल्स होते हैं। सेल साइज की बात करें तो बहुत छोटे से छोटे सेल्स भी होते हैं और काफी बड़े सेल होते हैं जिसको हम आंखों से देख भी सकते हैं। आपके बुक में दिया हुआ है स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, तो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। एंड जो लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो है हमारा ऑस्ट्रिच एग, जो कि काफी भारी होता है, आपको दो हाथ से उठाना पड़ सकता है। तो आप देख सकते हो देयर इज अ ग्रेट रेंज ऑफ वेरिएशन अमंग द सेल्स। बहुत छोटा जो कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, और काफी बड़ा जिसको हम हाथ से पकड़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। ओके, ह्यूमन बींग के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है रेड ब्लड सेल्स, और जो लॉन्गेस्ट सेल है हमारे बॉडी के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, वो है हमारा न्यूरॉन सेल, जिसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे तरह तरह के सेल का शेप होता है, साइज में वेरिएशन आता है, राइट। और आगे देख लेते हैं सेल नंबर। अब सेल की बात कर रहे हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल के अंदर अपनी पूरी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करता है, वेयर एज देर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म विच हैव मल्टीपल सेल्स, मोर देन वन सेल्स, इन विच दे परफॉर्म ऑल इट्स लाइफ एक्टिविटी। तो सेल नंबर के आधार पे ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। तो वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं, तो पहला ग्रुप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल बॉडी, एक ही सेल के अंदर वो अपने लाइफ प्रोसेस करता है,
मतलब वो एक ही सेल के अंदर अपना फूड लेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको एसिमिलेट करेगा एंड एक्सक्रीट भी करेगा जस्ट विद इन अ सिंगल सेल। और अगर जो मैं मल्टी सेलर की बात करूं, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, बहुत सारे सेल्स बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आपके सामने है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाता है, अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लाइमिडोमोनास है एंड अदर बैक्टीरियम्स। बैक्टीरियम के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया का आप नाम लिख सकते हो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, उसमें जितने भी आपको नाम आते हैं, दिस ऑल आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल नंबर के आधार पे दूसरा जो ग्रुप है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हो सकते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म या एनिमल। आप देख सकते हो ये सारा बैक्टीरिया है जो कि सिंगल सेल है, और यहां सामने आपको दिख रहा है एक कैट जो कि एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, ऑल द फंजाई, ऑल द प्लांट्स, ऑल द एनिमल्स, दिस ऑल आर द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ इच लिविंग सेल हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दे हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन जो लिविंग बींग के लिए जरूरी है सर्वाइवल के लिए, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग फॉर्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना सारा लाइफ फंक्शन किस में करता है, एक सिंगल सेल के अंदर ही परफॉर्म करता है। ठीक है, नाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हमको दिखाता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम को स्पेसिफिक किया गया है, कौन सा पार्ट क्या काम करेगा। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे छोटी छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, और हर एक सेल ऑर्गेनल अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। तो आप देख सकते हो एक सिंगल सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल होता है और हर एक सेल ऑर्गेनल का फंक्शन अलग होता है, तो यहाँ पे भी आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। सम सेल ऑर्गेनल्स सिंथेसाइज सर्टेन मॉलिक्यूल एंड सर्टेन क्लीन द वेस्ट फ्रॉम दिस सेल। सेल क्या काम करता है, कुछ मेकिंग प्रोसेस करता है, कुछ वेस्ट मटेरियल है तो उसको रिमूविंग का भी काम सेल ही करता है। तो आप देख सकते हो डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म देर इज ऑल्सो डिविजन ऑफ लेबर। आप इसके अंदर काफी अच्छे से देख सकते हो कि ह्यूमन बींग विच इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे शो अ ग्रेट डिविजन ऑफ लेबर। कहने का मतलब है हर एक फंक्शन को करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन है और हर एक ऑर्गन का काम एकदम फिक्स है। ठीक है, आप देख सकते हो हार्ट जिसका काम क्या है, तो भाई ब्लड को क्या करना होता है, पंप करना होता है, राइट। स्टमक का काम क्या है, तो फूड का डाइजेशन में हेल्प करता है। किडनी का काम क्या है, इट रिमूव द वेस्ट, इट फिल्टर द ब्लड एंड जो भी यूरिया जैसा मटेरियल होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसको रिमूव करने की कोशिश करता है। लंग्स एंड नोज कहीं ना कहीं हमको हेल्प करता है ब्रीदिंग में। आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है यहाँ पे, हार्ट बीट देख सकते हो, ये किडनी के अंदर नेफ्रॉन का डायग्राम है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन वाली यूनिट, और ये हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो ये है डिविजन ऑफ लेबर, हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन फिक्स होता है। ठीक, चलो अब आगे देख लेते हैं, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल कैसे काम करता है और उसका जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन वो कैसे परफॉर्म करता है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, देखो कितना अच्छा डायग्राम है, ब्यूटिफुल डायग्राम, ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर जा रहे हैं। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है, सेल मेम्ब्रेन करता क्या है, तो एक सेल को, सेल का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करने का जो काम करता है वो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ एंड परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन मटेरियल इन एंड आउट। ये क्या करता है, एक गार्ड का काम करता है जो किसी चीज को अंदर या बाहर जाने के लिए अलाउ करता है, इसलिए हम इसको सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, राइट। इट ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ अदर मटेरियल्स द सेल मेम्ब्रेन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। क्योंकि ये हर एक चीज को गार्ड करता है इसलिए इसको हम सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट। ओके, नाउ हाउ दिस SPM दैट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन वर्क, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन किस तरीके से काम करता है, तो
देख सकते हो सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या ऑक्सीजन जो सेल को चाहिए, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाता है। मतलब जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है तो, और एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कौन सा सब्सटेंस, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कहीं पे कोई चीज ज्यादा है और उसके एब्स में सामने कोई चीज कम है तो ज्यादा से कम की तरफ वो मॉलिक्यूल मूव करना शुरू करता है, इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली ही मॉलिक्यूल को एक्सचेंज अलाउ करता है। डिफ्यूजन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि डिफ्यूजन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होगा और उसके लिए चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। यह है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, आप देख सकते हो यहाँ पे एक साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल है और वो धीरे धीरे कहां पे जा रहा है, जहां पे मॉलिक्यूल्स नहीं है, मूव कर रहा है टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ओके। अब वाटर भी डिफ्यूजन लो को फॉलो करता है लेकिन इसको हम स्पेशल केस में कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वहां पे सब्सटेंस था डिफ्यूजन में, यहां पे क्या है वाटर मॉलिक्यूल, थ्रू विच द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। वाटर मूवमेंट थ्रू द SPM दैट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। या फिर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर देते हैं कि पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूव करता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन द वाटर। मैं आगे स्लाइड में बताता हूं कैसे ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई किस में होता है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो किस में होता है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर है, लेफ्ट हैंड साइड प्योर वाटर है मतलब फ्री एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी है वाटर के अंदर। राइट हैंड साइड क्या है? वाटर के साथ में सुक्रोज मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बहुत ही कम फ्री है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर इन नंबर एंड दे आर फ्री, राइट हैंड साइड वाटर मॉलिक्यूल्स आर लेस इन नंबर बिकॉज सुक्रोज इज देयर। तो क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है लेकिन राइट हैंड साइड में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है और बीच में जो है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करेगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। सो यही है ऑस्मोसिस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल दैट वाटर विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, वाटर आपका मूवमेंट कहां से होगा? यहां से यहां की तरफ मूव करेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। ओके चलो अगले स्लाइड पे देख लेते हैं। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस डाइग्राम, इसके अंदर भी वाटर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो बहुत मैक्सिमम था धीरे धीरे राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है, तब जब तक मूव करेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस ना हो जाए। आप देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल 20-20 आ गया, मतलब पहले ज्यादा था तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव किया, राइट? ओके, सो आई होप ऑस्मोसिस क्लियर हो गया होगा सभी को। ओके चलो आगे देख लेते हैं। यस, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, टाइप ऑफ सॉल्यूशन मैं बाद में डिस्कस करता हूं अगले लेक्चर में, एंड फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। अगर जो आपको लगता है कि ये यूजफुल है वीडियो तो आप किसी भी 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।